साक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है सजना है मुझे, सजना है मुझे। मैं आज हम खास पेशकश लेके आए हैं बालों के ऊपर। आजकल का दौर फैशन का है और फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें ऐसा भी कहा जाता है, और इसके चलते हम अपने बालों को और खूबसूरत बनाने के लिए तमाम तरह की छेड़छाड़ करते हैं अपने नेचुरल बालों से। तो हम इस पर बात करेंगे कि कितना ये हानिकारक है और कितना फायदेमंद है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं थेरेपीज होती है उसको कराना कितना फायदेमंद होता है। हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए ममता जी, जो मेकओवर एक्सपर्ट हैं। वो बताएंगे किस तरह से बालों को आप और खूबसूरत बनाते हैं लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। तो सबसे पहले ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो मैं जानना चाहूँगी कितनी तरह की चीज़ें आजकल बालों पर इस्तेमाल हो रही हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्योंकि मैंने बहुत कलरफुल बाल देखे हैं, टेढ़े मेढ़े बाल देखे, स्ट्रेट बाल देखे हैं। किस तरह से आप बालों को खूबसूरत बनाते हैं? देखिए, आजकल आपको पता ही है कि फैशन के दौर में हर किसी को इच्छा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे दिखें, और एक लेडीज़ को जो अच्छा दिखना होता है सबसे ज़्यादा खूबसूरती उसकी बालों से ही होती है। तो बालों को अच्छा बनाने के लिए हम लोग बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि नेचुरल हेयर होते हैं हमारे, किसी के कर्ली होते हैं, किसी के वेवी होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम अपने सलोन में यूज़ करते हैं कि नेचुरल को कैसे हम और ज़्यादा फोकस स्ट्रेट दिखा सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के ज़्यादा कर्ली बाल होते हैं उनकी हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरे बाल भी सीधे हो जाएं। तो सीधे करने के लिए आजकल ट्रेंड में स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को हम भी मेंटेन करते हैं अपने सलोन में। तो हम ड्यू टू कैरेटीन एंड स्मूथनिंग, इन सब चीज़ों से उनको मेंटेन भी करते हैं। जैसे फर्स्ट हम करते हैं स्मूथनिंग करते हैं, जो कि आपका जो नेचुरल बाल है उसको हम लोग बिल्कुल सीधा कर देते हैं अपनी थेरेपी के साथ। ये 2-2.5 घंटे का प्रोसेस होता है, उसमें नेचुरल बाल एकदम स्ट्रेट, शाइनी, स्मूथनिंग हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए फिर हम लोग कहते हैं कि कैरेटीन इंसर्ट करें बाल में, क्योंकि कैरेटीन जो है एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। तो बाल में जब हम स्मूथनिंग करते हैं तो हमें बालों का बॉन्ड्स को तोड़ना होता है, जब उसका बाल का बॉन्ड्स टूट जाता है तो उसमें से कैरेटीन जो प्रोटीन होता है बाल का एक्चुअल में रिड्यूस हो जाता है। तो उस प्रोटीन को दोबारा से इंसर्ट करने के लिए हम कैरेटीन यूज़ करते हैं, ताकि हमारे फैशन के दौर में ये भी रहे कि हमने अपने फैशन में अपने बालों को ठीक भी सीधा भी कर लिया, साथ के साथ प्रोटेक्शन भी कर ली। तो ये चीज़ हम लोग ज़रूर मेंटेन करते हैं और अपने कस्टमर को भी बताते हैं कि आप ये प्लीज़ ज़रूर कराइए। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे वापस जोड़ो तो वो लुक नहीं आता है, तो क्या होता है अगर हम नेचुरल बालों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके बाद उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? अगर हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारे बाल अच्छे रहेंगे, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, क्योंकि देखिए इतना सारा कुछ हम अपने बालों में यूज़ करते हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए जो चीज़ हमने अपने बाल में कराई है स्पेशली उसका होम केयर होता है, जैसे कि एक शैम्पू होता है, एक कंडीशनर होता है। कंडीशनर से ही एक चीज़ होती है मास्क, जिसको हम मास्क बोलते हैं, वो कंडीशनर से ज़्यादा एडवांस होता है, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें एकदम से ठीक करते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके बाल को साथ के साथ रिपेयर करता है वो। तो आप घर में रहें तो, क्योंकि हर कोई इंसान इतना बिजी है कि डेली सलोन नहीं आ सकता, इसलिए घर में आप अपने इन प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, खरीद लीजिए हमसे या बाहर मार्केट से जहाँ से भी मिलता है, आप उसको लेके अपने घर पे डेली आप जब भी अल्टरनेट अपना शैम्पू करते हैं उसके साथ शैम्पू, मास्क एंड सीरम, ये तीन चीज़ों का बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना होता है, अप्लाई करना होता है। ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपका बाल हमेशा सही रहेगा, और अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो उसके साथ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपका बाल एक्सेस में ड्राई हो जाएगा, और ड्राइनेस हो जाएगी, डलनेस हो जाएगी, हेयर फॉल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको मेंटेन करना चाहिए। क्या इसका असर कुछ सालों बाद होता है क्या? जैसे कई बार मैंने सुना है कि लड़कियों ने कहा कि मैंने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग कराई थी, उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज 2-3 साल बाद मेरे बाल पहले की तरह नहीं रहे, अब वो ग्रोथ नहीं है और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इन सब चीज़ों का कारण ये हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि जैसे हमने सलोन में अपना काम कराया है, स्मूथनिंग कराई है, तो अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होना होता है तो वो साथ के साथ हो जाता है। लेकिन ये जो 2-3 साल वाली बात आती है तो ये बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ कि उस चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि देखो आजकल इतना हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, हम नींद पूरी नहीं लेते, हम डाइट पूरी नहीं लेते हैं, तो जो 1-2 साल बाद प्रॉब्लम शुरू होती है वो हमारी डाइट, नींद, इन सारी लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखो आजकल क्या होता है कि हम
टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो अपना जो डाइट होता है जैसे कि हमें अपने बॉडी में प्रोटीन लेना चाहिए, बाल का प्रोटीन लेना चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अपनी डाइट पे ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंटरनल भी होती हैं, हार्मोनल एक्सचेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेज, इन चीज़ों से ही सारी चीज़ों का साइकिल चलता है और इस तरीके से ही हमारे जो भी प्रॉब्लम्स आती है साल दो साल बाद, तो ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो एक्सटर्नल करते हैं, नॉट इंटरनल। अच्छा, हम किस तरह से अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं? जैसे कहते हैं हेयर स्पा होते हैं, हमें बाहर से भी वॉश कराना चाहिए बालों की, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कितने टाइम में हमें स्पा लेना चाहिए बालों के लिए, प्रोटीन लेना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्योंकि देखो हम घर पे जब भी अपना हेयर वॉश करते हैं तो हर किसी को जल्दी होती है ऑफिस निकलने की, या हाउसवाइफ भी है तो उसको जल्दी होती है, बच्चे के स्कूल से लाना है, जाना है, घर में खाना बनाना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार एक अपना दिन बनाइए छुट्टी वाले दिन कि अपने आप को पैम्पर कीजिए, किसी अच्छे सलोन में जाइए जहाँ पर कि आपको राइट गाइड किया जाए, स्पास दिए जाएँ, क्योंकि जो हम खुद से वॉश करते हैं वो तरीका नहीं होता है सही तरीके से, तो पार्लर में अगर आप जाके वॉश कराते हैं तो जो टेक्नीशियंस होते हैं वो बालों को अच्छे से गाइड करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि उनको उन्होंने स्टडी किया होता है, तो वो अच्छे से उनको मल्सिफिकेशन करते हैं, मसाज देते हैं, स्टीम देते हैं, जिससे कि आपके बालों में नरिशमेंट बना रहता है, नरिशमेंट होता है, अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। जैसे किसी के बालों में डैंड्रफ भी होता है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा होता है या ड्राइनेस ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्पा के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कि आप मेंटेन कर सकते हैं। स्पा कितने टाइम के दौरान लेना चाहिए? हाँ, स्पा मेरे कहने के, मैं तो चाहूँगी कि आप एवरी वीक स्पा ले सकते हैं, लेकिन हर कोई इतनी जल्दी नहीं लेना चाहेगा, तो आप 15 डेज में, मंथ में दो बार आप हेयर स्पा बना लीजिए अपना कि मेरे को 2 टाइम्स तो हेयर स्पा लेना ही लेना है, तो आपके बालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे लॉन्ग टर्म तक हमारे बाल थोड़े अच्छे रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय से पहले नहीं झड़ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय से पहले नहीं झड़ेंगे। तो आप भी बालों में कुछ कारीगरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं स्मूथनिंग कर रही हूँ हेयर में। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? मनीषा। मनीषा जी, आप इनके कर्ल बालों को स्ट्रेट कर देंगे? हाँ जी मैम। तो ये परमानेंट हो जाएगा? यस मैम, परमानेंट स्ट्रेट होंगे। अच्छा, बट इनका जैसे कि बहुत सेंसिटाइज हेयर है, इसमें हमें बहुत काम करना पड़ेगा हेयर में, तब जाके इनका बाल स्मूथ एंड सिल्की होगा और परमानेंट स्ट्रेट होगा। तो जब ये आप इतनी सारी क्रीम लगा रहे हो तो इससे ये जो कलर बाल है इस पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, इसीलिए मैं भी कलर बाल पे नहीं लगा रही ना, इस पे हम ट्रीटमेंट लगाएंगे। अच्छा, तो मतलब इनके बाल कलर रहेंगे, इसके ऊपर स्मूथनिंग हो जाएगी? यस मैम। ओके, तो आप बहुत सुंदर लगने वाले हैं आप। आपने पहले बाल कर्ल कराए थे? नहीं। आपके बाल नेचुरली ऐसे हैं? नेचुरली ऐसे। तो आपको यहाँ का ट्रीटमेंट कैसा लग रहा है? पहले आए हैं आप? फर्स्ट टाइम है मेरा। अच्छा, हाँ जी। पहले सर्च तो किया होगा? यस, मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया था। ओके, तो आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैम इनकी स्मूथिंग चल रही है। स्मूथनिंग? और स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग अलग अलग होता है? स्मूथिंग, हाँ, स्मूथिंग जो फ्लैट लुक आता है इसका। अच्छा। हाँ, जो नेचुरल दिखता है एकदम। तो अभी कितना काम बाकी है इसमें, इनकी पूरे बालों को खूबसूरत बनने में कितना काम बाकी है अभी? अभी मैम फिलहाल 1 घंटा तो लगेगा, क्योंकि अभी फर्स्ट आइनिंग हो रही है, देन उसके बाद उनका फाइनल आइनिंग होगी, फिर न्यूट्रलाइजर लगेगा, फिर वॉश होगा, मास्क लगेगा, तो एटलीस्ट 1 घंटा तो इनको लगना ही है अभी। मतलब एक स्मूथनिंग अगर कोई कराता है तो ओवरऑल उसको कितने घंटों का टाइम निकाल के ऑफिस से छुट्टी लेके आना पड़ेगा? 3 घंटा तो लगता ही है मैम स्मूथनिंग में। हाँ जी। और स्ट्रेटनिंग में? स्ट्रेटनिंग में भी 3 ही घंटे लगते हैं। अच्छा। हाँ जी मैम, सेम होता है दोनों चीज़ें। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अगर ट्रीटमेंट वगैरह ऐड करते हैं तो हाफ एन आवर और एक्स्ट्रा कर दो आप, ऑलमोस्ट 4 घंटा मान के चलो। हाफ डे लग जाएगा भाई, ऑफिस से हाफ डे लेके आना जब भी अगर आ रहे हैं आप। तो आप कितनी देर से बैठे हैं? ऑलमोस्ट 1:30 बजे से। 1:30 बजे से है, कितना पेशेंस है आपको इतना मतलब बैठ के करा रहे हैं? पेशेंस तो बहुत, खूबसूरत दिखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ भाई, कहना मानते हैं कि फैशन का दौर है, किस तरह के आपने बहुत सर्च किया होगा तब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो कर्ल ज़्यादा चल रहे हैं इस समय कि स्ट्रेट बाल ज़्यादा चल रहे हैं? मेरी चॉइस तो स्मूथनिंग की है, तो इसीलिए मैं करा रही हूँ।
यहाँ पर आए आगे और बाल ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत अच्छे, और शायद ही किसी लड़की के इतने अच्छे खूबसूरत बाल होते हैं, क्योंकि आजकल का फैशन है और लाइफस्टाइल जिस तरह से है उसमें मुझे यकीन नहीं होता है। तो देखिए कितने खूबसूरत बाल हैं, आप ध्यान से देखिए, एक एक बालों को अलग से देखा जा सकता है कि किस तरह वो उठा रहे हैं और पेंसिल से और वो गिर रहे हैं। इसमें क्या किया है अभी आपने? पहले स्मूथिंग किया है, बाद में हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग, हाइलाइटिंग क्या होता है? हाइलाइटिंग, ओके सॉरी। अच्छा हाइलाइट, तो इतना अंदर से किया है, मतलब हाइलाइट तो कुछ कुछ बालों पे करते हैं, आपने पूरे बालों पे किया है? हाँ पूरा बाल, पूरे। बड़े सुंदर लग रहे हैं बाल। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह ममता जी ने बताया कि अपने बालों की अगर आप किस तरह से केयर करते हैं तो अपने बालों को लंबे समय तक प्रोटीन युक्त और सुंदर बनाए रख सकते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को नहीं अपनाते तो आपके बाल बहुत जल्द खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, हमारा लाइफ स्टाइल ख़राब है, और इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें अपनी हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगले हफ्ते सजना है मुझे में कुछ और मुद्दों पर फिर से मुलाकात होगी।